सबने प्रेयर की है? वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने आपको रिवीजन कराया था। टेस्ट बहुत बच्चों ने दिया है, लेकिन अभी भी बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे, होमवर्क नहीं दे रहे, तो प्लीज बेटा टेस्ट भी सेंड कीजिए और अच्छे से सेंड कीजिए और होमवर्क भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट लिखते हैं टुडेज डेट। व्हाट इज द डेट टुडे? 15 जनवरी। यस, ओके। अगेन हमारा जैसे प्रैक्टिस टेस्ट हुआ है, अब है ना, अब हमारे यूनिट टेस्ट आएंगे। ओके, दो प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो गए हैं, अब हमारा यूनिट टेस्ट आएगा। ओके, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको ही हमें अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है? इसलिए आज मैं आपको एक बार फिर दे रही हूँ फुल मायसेल्फ। ओके, फुल मायसेल्फ। हमने टेस्ट में दो दो लाइन है ना मायसेल्फ की है, राइट? यस, आज हम फुल मायसेल्फ करेंगे। क्यों? बिकॉज जो हमारे यूनिट टेस्ट आएगा उसमें हमें फुल मायसेल्फ लिखने आ सकता है। ओके, वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं टॉपिक मायसेल्फ। ओके, मायसेल्फ, मायसेल्फ में हमारे पास टोटल 5 लाइंस है। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, आई एम अ गर्ल और बॉय। आई एम अ गर्ल और बॉय। ओके, आई एम अ गर्ल, जो गर्ल है वो गर्ल लिखेंगे एंड जो बॉय है वो बॉय लिखेंगे, इसलिए मैं दोनों का स्पेलिंग लिख रही हूँ। आई एम अ आपको लिखा हुआ आएगा, जैसे मैंने बताया था, माई सेल्फ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ओके, आपको सिर्फ यहाँ गर्ल और बॉय लिखना है। ओके, वेरी गुड, चलिए सेकेंड लाइन, माई नेम इज, माई नेम इज। ओके, माई नेम इज आपका नाम, जो भी आपका नाम है आपको वो यहाँ पर लिखना है अच्छी हैंड राइटिंग में। बच्चों प्लीज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग निकालनी है। ओके, बिल्कुल भी मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेनी है होमवर्क कंप्लीट करने में, ठीक है? प्लीज पेरेंट्स, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट मत कीजिए, उन्हें करने दीजिए। ओके, आपके पास बहुत टाइम होता है ना, मैं इंग्लिश का लेक्चर लेती हूँ, देन नेक्स्ट डे मैथ्स होता है, तो आपके पास इंग्लिश के लिए एक दिन का टाइम होता है, वैसे उसी तरह आपके लिए मैथ्स का भी टाइम होता है ना, तो धीरे धीरे आराम आराम, जैसे दोपहर में आधा घंटा आप लिखिए, देन फिर शाम में आधा घंटा लिखिए, एक साथ बैठ के लिखते हो तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है ना, लेकिन आप अपने हाथों से होमवर्क कीजिए। ओके, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, चलिए, आई एम अ गर्ल और बॉय, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। ओके, एंड थर्ड लाइन, आई एम फाइव, एफ आई वी ई, फाइव years old, okay? I am 5 years old. मैंने टेस्ट में आपको दो लाइन दी थी, I am 5 years old and I study in senior KG class, okay? 5, मैंने हमेशा आपको स्पेलिंग, नंबर, नेम जिसे आप कहते हो है ना, उसमें 5 लिखाया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने 5 नंबर्स में लिखा था। ओके, तो आपको नंबर्स में नहीं लिखना है, आपको स्पेलिंग में 5, 6 जो भी आपका एज है उसे आपको स्पेलिंग में लिखना है। ओके,
वेरी गुड. आई एम 5 years ओल्ड. ओके देन फोर्थ लाइन है हमारी, आई स्टडी. आई स्टडी इन सीनियर केजी. और जो आपका डिवीजन है, जैसे मैं यहाँ ए लिख रही हूं, अगर आपका डिवीजन बी है तो आप यहाँ बी लिखिए, सी है तो आप यहाँ सी लिखिए. ओके एक बार मैं फिर आपसे कह रही हूँ, केजी केजी जो है, जो के और जी है दोनों हमारा कैपिटल होगा. बहुत से बच्चे स्मॉल जी लिख के भेजते हैं मुझे, मैं जब होमवर्क चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो स्मॉल जी होता है, तो हमें स्मॉल जी नहीं लिखना है. ओके वेरी गुड. चलिए, आई एम अ गर्ल अ बॉय, माई नेम इज, आई एम 5 years ओल्ड, आई स्टडी इन सीनियर केजी ए क्लास. ओके सी, मैं इसको ज्वाइन नहीं करती हूं, सी एल ए एस एस क्लास. ओके देन लास्ट लाइन है, आई लिव इन नालासोपारा. नालासोपारा. ओके आई लिव इन नालासोपारा. देन हमारा माइसेल्फ जो है ये कंप्लीट हो गया है. ओके देखिए मैंने कैसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा है, आपको भी इसी तरह नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में माइसेल्फ लिखना है. ठीक है, एक बार आप अच्छे से देखिए, आपको इसका होमवर्क करना है 3 times. ओके एक बार अच्छे से देखिए, मैं रीड कर रही हूं, आई एम अ गर्ल अ बॉय, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई एम 5 years ओल्ड. ओके आई स्टडी इन सीनियर केजी, उसके आगे जो भी आपका डिवीजन है क्लास, लास्ट लाइन है हमारी, आई लिव इन नालासोपारा. ओके इसी तरह नीट एंड क्लीन पूरी फाइल फिलिंग द ब्लैंक्स माई सेल्फ की आपको अच्छे से स्पेलिंग के साथ याद होनी चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. जैसे हमने माई सेल्फ किया है उसी तरह अब हम करेंगे राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड आपको याद है? यस, राइमिंग वर्ड हमने द शॉर्ट वोवेल साउंड यू के राइमिंग वर्ड्स किए थे. ओके उसके बाद हमने एक्टिविटी किए थे जिसमें मिक्स राइमिंग वर्ड थे जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिए थे, राइट? यस, अब हम करेंगे राइमिंग वर्ड. आपको वर्ड्स लिखना है, जैसे आपने मैच किया था राइमिंग वर्ड्स, अब आपको एक साइड राइमिंग वर्ड दिया जाएगा, आपको उसका राइमिंग वर्ड लिखना है. ओके वर्ड दिया जाएगा, आपको उसका राइमिंग वर्ड लिखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट है PAN, पेन. RED, रेड. HID, हिड. HOT, लिखना है. ओके फर्स्ट है पेन, पी ए
आपने किया था? यस रेड, वेरी गुड। बेड, रेड बेड, बी ई डी बेड, रेड बेड, रेड बेड, यस वेरी गुड। थर्ड है हिड, एच आई डी हिड, यस हिड से मिलता जुलता वर्ड, वेरी गुड। लिड, हिड लिड, एल आई डी लिड, हिड लिड, हिड लिड, यस एच आई डी हिड, एल आई डी लिड, वेरी गुड। एंड एच ओ टी हॉट, यस हॉट का राइमिंग वर्ड, यस वेरी गुड। पॉट, एच ओ टी हॉट, पी ओ टी पॉट, यस पी ओ टी पॉट, हॉट पॉट, हॉट पॉट, वेरी गुड। एंड एम यू एम मम, एम यू एम मम, मम का राइमिंग वर्ड, यस सम, एस यू एम सम, मम सम, वेरी गुड। मम, एस यू एम सम, मम सम, मम सम, यस। देन लास्ट एस ए डी सैड, एस ए डी सैड, सैड का राइमिंग वर्ड, यस सैड, वेरी गुड। पैड, सैड पैड, सैड पैड, पी ए डी पैड, सैड पैड, सैड पैड, यस। आपने ये राइमिंग वर्ड को मैच, जो हमने एक्टिविटी किए थे मैच किए थे उसमें किया है, लेकिन अब आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ओके? क्योंकि आपको उसकी स्पेलिंग लिखना है। याद रहे राइमिंग वर्ड जब मैं आपको दूंगी तो ऐसे डैश होगा वर्ड्स के बीच में, राइमिंग वर्ड एंड अपोजिट वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? वेरी गुड। चलिए रीड करते हैं एक बार। पेन फैन, रेड बेड, हिड लिड, हॉट पॉट, मम सम, सैड पैड, ओके? आपको इसका भी होमवर्क 3 टाइम करना है, 3 टाइम होमवर्क करना है, ओके? एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रही हूं। पी ए एन पेन, एफ ए एन फैन, R E D red, B E D bed, H I D hit, L I D lid, H O T hot, P O T pot, M U M mum, S U M sum, S A D sad, P A D pad, okay? ओके अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट व्हाट इज अ डे टुडे? यस टुडे इज फ्राइडे। नाउ ड्राइंग टाइम। यस आप सब ने जो मैंने बोर्ड आपको बनाई थी वो आपने बहुत अच्छे से बनाए, कलर्स भी बहुत अच्छे से किए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आज हम एक न्यू ड्राइंग बनाते हैं। व्हाट क्या बनाएंगे हम? यस हाउस, ड्रीम हाउस। आपको कैसा हाउस चाहिए आपको वैसे बनाना है, ओके? मैं कैसे बना रही हूँ आप देखिए, देन आप वैसा भी हाउस बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई और हाउस चाहिए, जैसे कि मैं एक सिंगल हाउस बना रही हूँ, आपको डबल चाहिए तो आप डबल भी बना सकते हैं, ओके? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग जब हम करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, तो हमारे जो इमेजिनेशन है, जो हम सोचते हैं, और आप तो बहुत सोचते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना? तो जैसा आपको घर चाहिए आप वैसा घर बना के कलर करके मुझे सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जैसे बना रही हूँ आप वैसे भी सेम बना सकते हैं, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाउस ठीक है ओके चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाउस की रूफ से ओके स्ट्रेट लाइन देन जैसे हम कैपिटल ए बनाते हैं ओके देन दोनों लाइन को सेम करना है और इसे से जॉइन कर देना है ठीक है ये बन गई हमारी रूफ छत इसमें हमें इस तरह से डिजाइन करनी है ओके एंड यहां पर एक सर्कल ठीक है यहां से एक स्ट्रेट लाइन देन लास्ट में एक स्ट्रेट लाइन ओके देन ये लाइन को हमें जॉइन कर देना है ठीक है ना इजी यस आप भी जब बनाओगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा ठीक है यहाँ एक छोटी सी विंडो बना देते हैं डोर ओके देन यहां पर ये दो रूम है ना दो कमरे हैं तो यहां पर भी एक डोर बनाते हैं छोटा सा यहां जो डोर बनाएंगे हम राउंड शेप का डोर बनाएंगे ओके थोड़ा सा खुला है ये डोर ओके राउंड शेप का डोर है ठीक है देन यहां छोटे से स्टेप्स पर आएंगे सीढ़ियां बहुत इजी है देखिए ओके ज्यादा नहीं बनाएंगे इस तरह आपको सीढ़ियां ड्रॉ करनी है ठीक है अब हमारे जो हाउस है हमारा जो घर है उसके बाजू में हम क्या बनाएंगे छोटे छोटे से पौधे बनाएंगे गमले ग्रीनरी है ना जरूरी है घर के आसपास पेड़ फूल पौधे होने चाहिए यस वेरी गुड तो हम यहाँ पर छोटे छोटे से पॉट बनाएंगे ठीक है सिंपल लाइन लेनी है एक इधर लाइन छोटी छोटी सी लीव्स बनानी है ओके रोज बनाना है छोटा सा राउंड बनाना है नीचे से गोल हो गया रोज ठीक है ओके इस तरह से हमने एक पॉट बनाया है आप और बना सकते हैं ठीक है आप दो तीन बना सकते हैं फिर नीचे यहाँ हाउस के पास छोटी छोटी सी ग्रीन घास ओके मुझे ऐसा हाउस बहुत पसंद है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे बनाइए नहीं तो आपको जैसा हाउस पसंद है ओके आप वैसा बनाइए ठीक है ये ग्रीन घास है ओके कैसे लग रहा है यहां पर एक छोटी सी चिमनी बनाएंगे ठीक है कैसा लगा आपको हाउस अच्छा है अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आप ड्राइंग बुक में भी बना सकते हैं अदरवाइज आप इंग्लिश बुक में भी कर सकते हैं और आपको आपकी पसंद का कलर करना है आपको किस कलर का हाउस अच्छा लगता है आपको वो कलर हाउस पर करना है ओके अच्छे से होमवर्क करना है हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है एंड कलर भी करना है ठीक है जैसे आपको पता है ये वेनेसडे आप सब बुक चेक कराने आए थे स्कूल में राइट ना यस वैसे हर हफ्ते आपको मैसेज आएगा ओके वैसे तो वेनेसडे को ही होगा लेकिन अगर कुछ चेंज होते हैं तो आपको पेरेंट्स प्लीज पेरेंट्स जो ग्रुप में मैसेज आते हैं उस पे ध्यान दीजिए टाइमिंग पे ध्यान दीजिए और बच्चों की बुक लेकर आइए चेकिंग के लिए ओके जैसे हमने ये वेनेसडे को बुक चेक किए तो हमें बहुत से बच्चों की मतलब पता चली मोबाइल में चेक करने में और सामने सामने चेक करने में फर्क होता है ओके तो जो हमारा जनवरी से हमने स्टार्ट किया है लिखना आप वो वाली बुक मैथ्स और इंग्लिश और वर्कबुक नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई है वो बुक लेकर आइए हम चेक करेंगे ओके आप चाहे तो डायरेक्टली चेक कराने आ सकते हैं हर हफ्ते चेकिंग होगी अब ओके तो आप मोबाइल पे अगर मुझे होमवर्क सेंड नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जो हमारे पेरेंट्स गांव में है जो बाहर है यहाँ से
वो मुझे सेंड अपना जो होमवर्क है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स जो यहाँ है तो प्लीज स्कूल में आइए, बच्चों की बुक्स लेकर आइए, हमारे साथ बच्चों का कांटेक्ट होगा तो ज्यादा और अच्छा होगा, बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है पेरेंट्स? ओके, तो इसलिए ग्रुप के मैसेजेस पे ध्यान दीजिए। ओके चलो, अच्छे से बच्चों होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। ओके, मैं बार बार कहती हूँ, हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।